तो आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, डिक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ पेरेन्काइमल सेल इज कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रॉपी, सेकंड ऑप्शन एट्रोपी, थर्ड ऑप्शन एटोपी एंड फोर्थ ऑप्शन मेटाप्लेसिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन एट्रोपी होगा। कोई सेल या कोई ह्यूमन बॉडी जब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसकी मेच्योर ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद कोई सेल या ऑर्गन का रिडक्शन हो उसकी बॉडी का, तो उसे क्या कह देते हैं, एट्रोपी कह देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल मेडिएट मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। एड्रेनलाइन, पाइरिडोक्सामाइन, हिस्टामाइन और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है हिस्टामाइन राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कंडीशन इज टर्म्ड एज डायग्नोसिस। जैसे कैंसर होता है उसको हम लगातार मॉनिटर करते हैं, टाइम टू टाइम डायलिसिस डायग्नोसिस करते हैं उसकी, तो इस टाइप की मॉनिटरिंग को प्रोग्नोसिस कहते हैं, जब तक कोई डिजीज़ क्या हो ओवरकम ना हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन जो है, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मिलेटेड डू नॉट इंक्लूड। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, प्रूरिटिस, पॉलीफाइजिया, विटिस एंड पॉलीडाइप्सिया। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्री पीज ऑफ डायबिटीज होते हैं, PPP। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है, थर्ड वाला विलबिटिस गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, क्वांटिटेटिव एबनॉर्मलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस लेड टू थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, हीमोट्यूरिया, पॉलीसाइथीमिया। तो क्या होता है, यहाँ पे क्वांटम डिफेक्ट कॉस्ट किसकी वजह से होता है, ग्लोबिन चेन की वजह से, और कहते कि हैं इसको थैलेसीमिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है थैलेसीमिया होगा। सिक्स क्वेश्चन है, द मेजर लोकेशन ऑफ अकरेंस ऑफ इम्फाइसीमा इज। तो हमने क्या बात की थी पिछले वीडियो में, हमने बात की थी इम्फाइसीमा क्या होता है। इम्फाइसीमा जो एक क्या है, रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। रिस्पायरेटरी डिजीज जो है कहाँ होगी, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सेवन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस इज हैविंग द लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम देखें तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड 15 to 50 days होता है, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 50 to 160 days होता है, हेपेटाइटिस सी का जो है सबसे ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा थर्ड होगा, हेपेटाइटिस सी। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल इन GIT इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन सी सेल जो होती है वो म्यूकस सिक्रीटिंग होती है, तो चिप सेल, पेराइटल सेल, गोबलेट सेल एंड पेप्टिक सेल। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गोबलेट सेल जो होती है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में म्यूकस सिक्रीट करती है, इंटेस्टाइनल म्यूकस कहते हैं इसे, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द इनिशियल असिम्प्टोमैटिक इंक्यूबेशन पीरियड इन टाइफाइड फीवर इज अबाउट लगभग 2 वीक का होता है, 14 to 15 days या 10 to 15 days भी कह सकते हैं इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइफाइड का। टेंथ क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज इन नोएज। जब हम किसी डिजीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो कहते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, सेकंड ऑप्शन है। इलेवेंथ, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू डिस्टेंट टिश्यू बाय इन्वेजन इज टर्म्ड एज। अगर ट्यूमर स्प्रेड हो तो इसे क्या कहें, मेटास्टेटिस। फोर्थ ऑप्शन मेटास्टेटिस। द कॉजिटिव ऑर्गन्स ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कौन, सेल्मोनेला थायपी, वाइब्रोकोलरल ट्रोपोडीमा, प्लेडियम, क्लोस्ट्रियम टिटनी। तो क्या होता है, सिफिलिस जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, और ये मोस्टली बहुत सारे केसेस यूनाइटेड स्टेट में पाए गए थे 2016 में, बट ये अभी ज़्यादा फैली नहीं है वर्ल्ड में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ट्रोपोडीमा प्लेडियम। 13 क्वेश्चन है, लॉस ऑफ एपेटाइट इज नो एज। लॉस ऑफ एपेटाइट क्या होगा, डिक्रीज ऑफ एपेटाइट ड्यू टू रिड्यूस डिज़ायर ईट। जब हम कोई डिज़ायर ईट ना मिले उसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो या वीकनेस आए उसकी वजह से एनोरेक्सिया होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एनोरेक्सिया होगा।
क्वेश्चन है, सडन राइज इन ब्लड प्रेशर अबव 200 to 140 mmHg इसे क्या कहेंगे? क्या होता है? प्री हाइपरटेंशन होता है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन आइसोलेटेड होता है, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है। तो यहाँ पे जब इफेक्ट करेगा ब्लड प्रेशर तो उसे कहेंगे मेलिग्नेंट। ये ब्रेन को इफेक्ट करता है इसलिए मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन कह देते हैं। 15 क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव डेमेंटिया इज फीचर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है पार्किंसन डिजीज, एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिजीज एंड फोर्थ ऑप्शन है पार्किंसन डिजीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। क्या है? ये ब्रेन डिसऑर्डर है। इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर मिलता, याददाश्त चली जाती है एंड बैलेंस बॉडी का नहीं बनता है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एग्जांपल ऑफ निगेटिव फीड मेम्ब्रेन, थ्रेस्ट, रेनिन, एंगिनोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन पाथवे, प्लेटलेट एग्रीटेशन, एग्रीगेशन, रिलीज ऑफ थायरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा, रिलीज ऑफ थायरॉयड हार्मोन। 17, चेंज इन रिवर्सिबल इंजरी इज ऑल्सो नोन एज ग्लासी चेंज। ग्लासी चेंज जो होगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोपिक, हाइड्रोपिक सेल इंजरी चेंज कह देंगे, हाइड्रोपिक चेंज कह सकते हैं। 18th क्वेश्चन जो है वो पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। तो क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा जो होगा वो क्या होगा, एक रिस्पायरेटरी डिजीज है तो एयरवेज को डैमेज करेगा, इस वजह से ऑप्शन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, ही द पैरामीटर विच कैन डिस्क्राइब द ब्लड शुगर लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो अगर कम टाइम के लिए तो फास्टिंग शुगर से भी हम कर सकते हैं, बट अगर लॉन्ग टाइम है, 3 मंथ से ज़्यादा है, तो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, उससे पता करेंगे कि शुगर लेवल कैसा है। Thank you for watching.